डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यति नरसिंहा नंद के विवादित बयान के बाद मुस्लिम समाज में व्याप्त आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आगरा के साथ ही सोमवार को मेरठ के मुंडाली क्षेत्र में समाज के लोगों ने विरोध जुलूस निकाला। यह लोग नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। विशेष बात यह भी रही कि कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी थे। इतना ही नहीं, इस जुलूस में बच्चों की संख्या अधिक रही। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बच्चों को आगे कर माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। यहां लोगों को पुलिस द्वारा तितर बितर भी किया गया। SP देहात का यह भी कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है कि इस दौरान कुछ युवकों ने पत्थर फेंके हैं अथवा नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। उधर महामंडलेश्वर के समर्थन में मेरठ के हिंदू संगठनों ने भी कमिश्नरी चौराहे से DM ऑफिस तक जुलूस निकाला। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही का कहना है कि इस तरह की बातें समाज में होती रही हैं। OVC कई मर्तबा इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी मुकदमा दर्ज तक नहीं हुआ। गाजियाबाद में सोमवार को कई हिंदू संगठनों ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 3 दिन से लापता है। पुलिस ने उन्हें कहां रखा है हमें नहीं पता, महाराज को रिहा किया जाए। इसके अलावा शुक्रवार रात दासना देवी मंदिर पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों पर भी रासुका लगाई जाए। दरअसल मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की आबादी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है। आज मुंडाली में कुछ इस तरह बच्चों को लेकर विरोध जुलूस निकाला गया, देखिए। इस बारे में SP देहात राकेश मिश्रा ने यह जानकारी दी। थाना मुंडाली क्षेत्र में मुंडाली कस्बे में आज कुछ अराजक तत्व आ गए थे बाहर, और जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने उनको वहां शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए तितर बितर कर दिया, और उसके बाद जो वीडियो उपलब्ध हुआ है उसमें उनकी शिनाख्त की जा रही है और पहचान के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और मौके पर शांति है और कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। अब वीडियो की जांच की जा रही है, उसमें कुछ डंडे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, आगे जो जांच से होगा उस आधार पर। आज मेरठ में यति नरसिंहानंद के समर्थन में जुलूस निकाला गया, देखिए।
जुलूस का नेतृत्व कर रहे हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने इस मौके पर मीडिया से यह कहा। सचिन भाई, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांग को लेकर कर रहे हैं? सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, मैं प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, पूरा हिंदू समाज सड़कों पे। संगठन कोई किसी का बैनर नहीं है, केवल समाज यहाँ पे है। और वो समाज की मांग है, जिस तरीके से एक बवाल बना दिया एक बयान का, यति नरसिंहानंद जी के जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने केवल मोहम्मद के लेकर या अपने ऊपर ले गए। अगर ये अपने ऊपर ले गए जाएं कोई चीज, तो इस तरीके से पथराव करेंगे, ये सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, हैं? ये सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, पुलिस पे पत्थरबाजी करेंगे, जो इनका मन करेगा। ये संविधान से नहीं चलेंगे, ये सरिया के कानून लागू करा के रहेंगे भारत में। जिस तरीके का ये माहौल बनाया गया है, यति नरसिंहानंद जी के समर्थन में समाज सड़कों पे आज, और जो लोग जिस तरीके से मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में सर तन से जुदा के नारे थाने के अंदर और थाने के बाहर लगाए जा रहे हैं मेरठ के अंदर, क्या देश में रहने लायक स्थिति हिंदुओं की है? हिंदू की है स्थिति? ये यति नरसिंहानंद जी को जेड प्लस की सुरक्षा केंद्र सरकार को अब तक मुहैया करा देनी चाहिए थी। उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा देनी चाहिए तत्काल प्रभाव से, कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। और उनकी नहीं, जितने भी हिंदू समाज में हिंदू की बात करने वाले लोग हैं, उनकी भी ये लोग हत्या कर सकते हैं। पहले भी नूपुर शर्मा ने बयान दिया था, तो उदयपुर में जिस तरीके टेलर की गर्दन काट दी गई थी केवल एक समर्थन करने पर फेसबुक पे। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, यति नरसिंहानंद जी को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए। उनको जिस तरीके से अरेस्ट कर रखा है पुलिस लाइन के अंदर, जेल भेजने की योजना बनाई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, अगर इस तरीके से हमारे संत समाज के लोग इस तरीके से अगर जेल जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हम सुरक्षित कैसे होंगे? तो उन्हें रिहा करा जाए, जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए। जो लोग सर तन से जुदा के नारे थाने के बाहर थाने के अंदर लगा रहे हैं, हिंदुओं के अंदर भय पैदा कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तारी हो। और उन्हें पता होना चाहिए कि एक बयान के ऊपर तुमने इतना बवाल पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में मचा दिया है। बवाल मचाना हिंदू भी जानता, सनातन हिंदू भी जानता, लेकिन हमने कभी नहीं, हमारी गर्दन काटने तक की आप लोग इस तरीके से कहे जा रहे हो। हम केवल जो है ये कहना चाह रहे हैं, इसमें हमारी मांग है, यति नरसिंहानंद जी को सुरक्षा दी जाए। यति नरसिंहानंद जी को और यह मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।